नमस्कार, आप देख रहे हैं केके न्यूज, में हूँ आपके साथ कंजल सिंह राज। बताइए, शुरुआत करते हैं खबरों। का त्योहार होली को लेकर रविवार की दोपहर 12 बजे थाना परिसर बिछुआ में शांति समिति की बैठक हुई। तहसीलदार महोदय एवं थाना प्रभारी की उपस्थिति में आयोजित बैठक में दोनों समुदाय के लोग शामिल हुए। बैठक में होली का त्यौहार शांतिपूर्ण वापसी भाईचारे के साथ मनाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही परीक्षाओं को लेकर भी चर्चा की गई। इसमें रात्रि 10 बजे के बाद स्पीकर बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की बात कही गई। होली त्योहार को मद्देनजर रखते हुए टू व्हीलर वाहन में 2 से ज्यादा व्यक्ति बैठकर न चलाएं। होली का पर्व शांतिपूर्ण मनाने की समझौता भी दी गई, जिसमें सदस्यों ने विभिन्न समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रशासन से त्योहार के मौके पर पानी व बिजली के निर्बाध आपूर्ति कराने की साथ शराब पर रोकथाम वही थाना प्रभारी ने गंभीरता से लेते हुए इस त्वरित कार्रवाई करने का भरोसा दिया। साथ ही यहां भी कहा कि कार्रवाई होने की स्थिति में किसी की नहीं सुनी जाएगी। इसके अलावा बैठक में प्रशासन की ओर से त्योहार के मौके पर गांव के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस बल लगाने की बात की गई। बैठक में तहसीलदार दिनेश कुमार उइके, थाना प्रभारी पूर्वा चौरसिया, नगर परिषद अध्यक्ष रामचंद्र बोबरे, जनपद उपाध्यक्ष निरकुंश नागरे, भाजपा मंडल अध्यक्ष गोलू नागरे, जनप्रतिनिधि सलीम खान, राजकुमार मराबी पार्षद, अनुसूचित जनजाति ब्लॉक अध्यक्ष रघु मांडेकर, राम सिंह पटेल, माता मंदिर अध्यक्ष कमलेश टोंगरे, अनिल कुर्मी, मीडिया पत्रकार हेमराज मांडेकर, शिवजी चौरसिया, ज्ञानेन्द्र इंदौरकर, चंचलेश इंदौरकर, पुलिस स्टाफ रतिराम अहिरवार, एसआई गुणवक्त पवार, एएसआई वीरेंद्र राम, मिथिलेश साहू, चंद्रशेखर सोनी, मिनल सोनी आदि गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। ज्ञानेन्द्र इंदौरकर, जिला ब्यूरो चीफ बिछुआ की रिपोर्ट। क्या दिशा निर्देश दिए? आगामी त्यौहार होली, रंगपंचमी और मुस्लिम संप्रदाय के जो त्यौहार हैं उनके मद्देनजर थाने परिसर में तहसीलदार महोदय की उपस्थिति में तथा क्षेत्र के सभी गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इसमें सभी को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि त्यौहार जो है शांतिपूर्वक सम्पन्न करेंगे एवं क्षेत्र में सभी लोग आपसी सौहार्द के माहौल में त्यौहार को मनाएंगे तथा मैं स्वयं ऐसा खाना बनाई सभी पब्लिक के व्यक्तियों से अपील किया है मैंने कि गाड़ी जो है वो तेज़ स्पीड में ना चलाएँ, ड्रिंक करके ना चलाएँ। और चूँकि अभी बच्चों के एग्ज़ाम हैं, 10th और 12th वाले बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो DJ साउंड सिस्टम पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। कितने बजे से? ये रात्रि 10 बजे से टोटल प्रतिबंध है, बाकी त्यौहार के समय में DJ साउंड वगैरह का उपयोग नहीं करेंगे और तेज स्पीड में वाहन ना चलाएं, ये सभी लोगों से मेरे द्वारा अपील की गई है।